साल 2018 में भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में कश्मीर में 260 से 300 आतंकी सक्रिय हैं। 2018 में सुरक्षा बलों ने 260 आतंकियों को मौत के घाट उतारकर कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाई है। वहीं इस दौरान 91 सुरक्षा कर्मी भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। मगर इसके साथ चलते जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, जिसमें बड़ी तादाद में ट्रेंड मिलिटेंट बॉर्डर पार से आते हैं और जहां पर मिलिटेंसी को चलाते हैं और साथ हमारे लोकल नौजवानों को गुमराह करते हैं और अपनी सफ़ों में शामिल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और फोर्स भी करते हैं। इस दोनों के चलते जो हालात सिविलियन किलिंग्स के, अमन अमान को ख़राब करने के, उनके तरफ जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं उसमें साल 2018 में बहुत अच्छी कामयाबी रही। हमारी अपनी जो इसमें शहादत हमारे जवानों की पुलिस की तरफ से हुई वो पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा रही, क्योंकि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हमारी एंगेजमेंट्स रही वो भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। 45 की तादाद में हम लोगों ने अपने साथियों को खोया और 46 लोग जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई। 91 दोनों को मिलाकर के ये फिगर बनती है। साथ ही डीजीपी ने बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे युवकों को भी मुख्य धारा से जोड़ने में पुलिस काफी हद तक सफल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि सीमाओं को इस तरह से सील किया जाए कि आतंकी घुसपैठ ही ना कर पाए। जो मिलिटेंट्स मारे गए इन ऑपरेशन के दौरान उनकी तादाद 257 बनती है, जो पहले मुकाबले में मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में रिकॉर्ड एक किस्म का है। मगर ये रिकॉर्ड मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक तरफ से ये कामयाब ऑपरेशंस को दर्शाता है इसके साथ, क्योंकि ये वायलेंस से वाबस्ता है, किसी की जान जाया होने से वाबस्ता है, जान चाहे हमारी जाती चाहे मिलिटेंट की जाती है, उस नज़रिए से अगर देखें तो बहुत अच्छी इंडिकेटर नहीं है। बेशक ये बहुत बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी तो है। आपको बता दें कि बीता साल आतंकियों के लिए काल साबित हुआ है। ये करीब पिछले एक दशक में सूबे में मारे जाने वाले आतंकियों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2010 में 232 आतंकी मारे गए थे। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सूबे में इस साल आतंकी गतिविधियों में भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जहां आतंक से संबंधित 342 घटनाएं हुई, वहीं 2018 के दिसंबर के पहले हफ्ते तक 429 घटनाएं हुई।